हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन दोस्तों के लिए जिनकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है और डेट एक्सपायर होने के बाद भी उनका कॉपीराइट रिमूव नहीं हुआ। तो उन दोस्तों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये मसले का हल सिर्फ इस वीडियो के अंदर ही है, जो कि मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ आपको समझाऊंगा और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा और सारे क्वेश्चन 2022 के उसके ऊपर आंसर समेत दिए होंगे। और वो वाले आप अपनी जो वीडियो के ऊपर आए होंगे जो क्वेश्चन, उसका आप वहाँ पर आंसर ढूँढ कर आप उनको बता सकते हैं, उनको आंसर दे सकते हैं कि ये वाले आंसर हैं इस आंसर के। तो ये वाली वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो कॉपीराइट स्कूल वाले सब आंसर उस वेबसाइट पे मौजूद होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ, तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो टेक के रिलेटेड है, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे और जैसा कि आप दोस्त मेरे इंट्रो से भी समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने जा रहा है, कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, कॉपीराइट स्कूल को ज्वाइन उनके आंसर नहीं देंगे, तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट रहेगा डेट एक्सपायर होने के बाद भी। तो इसलिए वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें आसानी के साथ। सिर्फ एक वेबसाइट पर उनको सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, वहां से वो क्वेश्चंस को उठाएं और उनका आंसर दें और अपनी वीडियो कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करवा लें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अभी चलते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर। आप ये लैपटॉप के ऊपर भी वेबसाइट को खोल सकते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ही मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो कंप्लीट ए टू जेड देखिएगा, क्योंकि अगर कोई आपसे स्टेप रह गया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपसे कॉपीराइट स्कूल के आंसर्स आपसे नहीं दिए। तो ये वाली वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ। सबसे पहले खोलते हैं हम क्रोम को। जैसे ही हम क्रोम को खोलेंगे तो वहाँ पर हमने, यहाँ पर अगर कोई आपकी यहाँ से पहले से कोई वेबसाइट खुली हुई है तो आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है यूट्यूब कॉपीराइट स्कूल आंसर्स। तो आपने ये वाली वेबसाइट को यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस खुल के आ चुके हैं। तो आपने सबसे पहले वाला ओपन कर लेना, यूट्यूब कॉपीराइट स्कूल क्वेश्चन एंड आंसर 2022। आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ, अगर यहाँ पे आप इनकी यहाँ पर कोई पढ़ना चाहें तो आप इसको रोककर पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं जिनके आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स। तो आपने यहाँ पर आपने अपने क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर आंसर्स को मैच करना है, क्वेश्चन आपने क्वेश्चन के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर आपने आंसर यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर जितने भी आपके ऊपर वीडियो पे आते हैं क्वेश्चंस, तो आपने वहाँ पर यहाँ पे ही इनके आंसर्स आपको मौजूद मिलेंगे, अदरवाइज आपको कहीं पे भी मौजूद नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंसर्स भी हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपका कॉपीराइट आया होगा। तो आपने यहाँ पर कॉपीराइट को स्कूल आपने ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे तो आपकी जब वीडियो के ऊपर से एक्सपायर होगी कॉपीराइट, तो आपकी कॉपीराइट वहां से रिमूव हो जाएगी। अगर आप आंसर्स नहीं देंगे तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा कि आपकी वीडियो पे आया हुआ था, जब तक आप कॉपीराइट स्कूल को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सब प्रोसेस ए टू जेड आपने सीख लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सब प्रोसेस को ए टू जेड सीख लिया होगा। जिन भाइयों को अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है,
मैं उसके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और उसके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो सब भाइयों ने जो वीडियो कंप्लीट से लेके अब तक देखी है उनको ए टू जेड समझ आ गई होगी कि किस वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां से आप क्वेश्चन को पिक करेंगे जो आपका क्वेश्चन पूछा होगा कॉपीराइट स्कूल वालों ने, और वहां से आप आंसर को पिक करेंगे और उधर अगर आप पेस्ट करेंगे तो आपका वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा कंफर्म, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी खुद की वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका था और इस वजह से कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा सर्च के बाद इस वेबसाइट का पता लगा तो आपसे मैंने कहा क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ उससे आप ना गुजरें, तो इसलिए ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रोसेस को कंप्लीट समझ लिया होगा, आपने भी इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। जिन भाइयों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी कमाल की वीडियो के साथ। जो भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यार मुश्किल से वीडियो बनती है। वीडियो को काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।